नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पीजी उमाठे पूर्व माध्यमिक कन्याशाला शांति नगर के बच्चे भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जो पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए जो विषय है वो है जल का लेखा जोखा। जी हाँ, इसके अंतर्गत हम बच्चों को अपने दैनिक जीवन में वे कितने जल का प्रयोग सभी कार्यों को करने के लिए कर रहे हैं इसका विवरण हमने उनको तैयार करने के लिए कहा है, और सभी बच्चे इससे संबंधित लेख वे हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। वे हिसाब लगा रहे हैं कि दिन भर में वे कितने लीटर जल का प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हें हमने यह प्रयोजना कार्य भी दिया है कि वे इसका भी हिसाब लगाएं कि वे कितना जल एक दिन में बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों ने किस प्रकार से जल का लेखा जोखा तैयार किया है, क्या क्या उनकी क्रियाएँ हैं, क्या क्या उनकी सोच है और वे किस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। जब मैं सुबह उठती हूँ तो शौच के लिए 1.5 बाल्टी पानी लगता है और उसमें 20 लीटर, ब्रश करने के लिए 3 मग 30 लीटर, नहाने के लिए 1 बाल्टी 50 लीटर, बर्तन धोने के लिए 2 बाल्टी 70 लीटर, कपड़े धोने के लिए 3 बाल्टी 90 लीटर, सुबह उसका खाना बनाने के लिए 1 छोटी टी 37 लीटर, हाथ पैर धोने के लिए 3/4 मग को, खाना बनाने के लिए 1 रोटी 35 लीटर, नाश्ता बनाने के लिए 10 या 15 लीटर, पीने के लिए 5-6 बॉटल 5 लीटर, पोछा लगाने के लिए 2 बाल्टी 70 लीटर, रात का बर्तन धोने के लिए 2 बाल्टी 70 लीटर। मैंने आज के दैनिक जीवन में 430 लीटर का पानी उपयोग किया है। धन्यवाद। आविष्कार अभियान के अंतर्गत हम सभी ने जल का लेखा जोखा बनाना सीखा, और हमने यह पाया कि हम प्रतिदिन बहुत सारा जल बर्बाद कर देते हैं। हमें उस जल को बर्बाद होने से रोकना है और जल को बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद।